बिजनेसमैन तो बहुत हुए हैं और आज के टाइम में भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन जितना प्यार और जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट रतन टाटा जी को मिली है उतनी शायद ही आज तक किसी को मिली होगी। मुकेश अंबानी, अडानी को देख लीजिए, कई बार इनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि रतन टाटा जी के जीरो हेटर्स थे। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जीरो हेटर्स थे राजनीति में, इसी तरीके से रतन टाटा जी को पूरा देश प्यार करता था। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया, आखिर क्यों रतन टाटा जी को इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिली? तो फाइनली दोस्तों, अभी 9 अक्टूबर को रात लगभग 11 बजे रतन टाटा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। बहुत बड़ी घटना इनके साथ 11 साल की उम्र में ही हो गई थी 1948 में, जब इनके माता पिता ने तलाक ले लिया और इनको छोड़ दिया। ना इनकी माँ ने इनको रखा था और ना ही इनके पिताजी ने। तो इनका पालन पोषण इनकी दादी जी नवाजबाई थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। अच्छा खासा पैसा था इनके घर में। इनकी पढ़ाई इनकी दादी जी ने अच्छे तरीके से करवाई। मुंबई में शुरुआत इनकी पढ़ाई हुई और 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वहां पे की थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 बार ऐसा हुआ कि जब ये शादी के बहुत नजदीक आ गए थे, इनकी शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई। लॉस एंजलिस में इनको एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन उस वक्त 1962 में इंडो चाइना वार चला हुआ था। इनके माता पिता ने मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को इंडिया में नहीं भेजेंगे। बहुत ही फेमस किस्सा है इनकी शादी को लेकर। शुरुआत में 1971 में इनको 2 कंपनियां दी गई थी, वो उस वक्त बिल्कुल घाटे में चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, कुछ हद तक उन कंपनीज को बेनिफिट दिया, लेकिन कुछ हालात उस वक्त ऐसे थे कि वो दोनों की दोनों कंपनियां बंद हो गई थी। तो जेआरडी टाटा ने देख लिया था कि इनके अंदर कुछ बात है, इसलिए 1981 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और 1991 में टाटा इंडस्ट्री और टाटा इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां थी उन सबका चेयरमैन जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को बना दिया। तो 1991 से लेकर 2012 तक ये चेयरमैन रहे 21 साल तक, और इनकी चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत ग्रोथ की। 1991 में जो नेटवर्क थी टाटा इंडस्ट्री की, वो 2012 के आते आते 50 गुना तक चली गई। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च करेंगे, और 2009 में टाटा नैनो कार भी रतन टाटा ने लॉन्च कर दी थी। जैगवार और लैंड रोवर के जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को इंडिया में इन्होंने खरीदा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस तो हर कोई करता है, इन्होंने वो किया है जो शायद ही कोई करता हो। अपनी कमाई का 66% ये हमेशा हर साल डोनेट करते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी लाइफ में $1.2 बिलियन डोनेट किए हैं, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं, दान किए हैं, शिक्षा में, मेडिकल एरिया में, सोशल वेलफेयर के अंदर ये हमेशा ही दान करते आए हैं। आज की अगर बात करें तो रतन टाटा जी का जो नेटवर्थ है वो 3800 करोड़ रुपए है। हालांकि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नहीं आते हैं, और इसका रीजन मैंने आपको बताया है कि उनकी डोनेशन, वो हमेशा से ही अपना पैसा डोनेट करते आए हैं, और यही रीजन है कि लोगों से उनको बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान मिला। 2010 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। और बिल्कुल देखिए, रतन टाटा जी ये दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, और बिल्कुल उनको उनके कामों के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा।